वडोदरा शहर को ऑक्सीजन युक्त रखने के आशय से वडोदरा महानगर पालिका द्वारा शहरी तमाम खाली बने वैसे सरकारी प्लॉट के अडॉप्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म जयंती तथा आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने के भागरूप वडोदरा शहर को ऑक्सीजन युक्त रखने के आशय से सघन कार्यवाही जारी करने के साथ कॉरपोरेशन संचालित वैसे तमाम ओपन प्लॉट को अर्बन फॉरेस्ट को डेवलप करने के लिए आज विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सेवाभावी सामाजिक संस्थाओं को ये प्लॉट अडॉप्ट यानी कि गोद लेने कार्यक्रम का आयोजन करते हुए इस मौके पर म्युनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल, डिप्टी मेयर नंदाबेन जोशी, मेयर के रोकड़िया तथा स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल सहित 75 जितनी संस्थाओं ने हिस्सा लिया था। अपने जयरे आज़ादी में 75 वर्ष की उजवनी करवा जा रहा है, एनी साथे आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जन्मदिवस है, तेना संयुक्त उपक्रमें वडोदरा महानगरपालिका द्वारा वडोदरा शहर की अंदर 75 जेटला प्लॉट सिलेक्ट कर संस्थाओं मध्यम थी और कॉर्पोरेशन पोता मध्यम थी एक अर्बन फॉरेस्ट डेवलप करवा जा रही है, तरह आज तमी जोड़े एग्रीमेंट करने बात एमने सूचनाओं आपवानी बात माटे एक आखो एक कार्यक्रम राखवामां आव्यो हतो अने एना माध्यमथी वडोदरा शहेरनी अंदर ऑक्सिजननी महत्ता ज्यारे आपणने कोरोना काळमां सौने खबर पड़ी छे त्यारे ऑक्सिजन वधुने वधु वडोदरा शहेरमां प्राप्त थाय अने एटला ज मोटा भागनी अंदर वृक्षारोपण थाय एना हेतुथी अर्बन फॉरेस्टनुं एक आयोजन करवामां आव्युं छे अने एनी अंदर आजे विविध संस्थाओ जे सहभागी थई छे एमनी जोडेनी आजे एक मीटिंग पण करवामां आवी छे। सर कॉर्पोरेशन आ काम खूब सारू करी रही है, जयरे कॉर्पोरेशन में कोई तकलीफ पड़ती थी तारे प्लॉटों की हराजी थती थी, तो आ तो 75 प्लॉटो है तो एमना थी कोई नुकसान थे क्या कॉर्पोरेशन? भूतकाल में पण कॉर्पोरेशने विविध संस्थाओं ने 46 जेटला प्लॉटो आप्या छे, एनी अंदर जे जे संस्थाओं आ प्लॉटो नो उपयोग कर्यो नथी अथवा त्यां डेवलप कर्यो नथी ए संस्थाओं ने आगामी दिवस में नोटिस आपीने प्लॉट परत करवानी कार्यवाही करवामां आवनार छे, अने जे आ प्लॉट 75 जेटला प्लॉटो जे आपवामां आवशे एनी अंदर पण धारा धोरणनी अंदर स्पष्टपणे कही देवामां आवी छे के आ प्लॉट पर तेओ कोईपण प्रकारनुं बांधकाम करी परमानेंट बांधकाम करी शकशे नहीं, अने एनी फेन्सिंग थी लईने छोड़वा उछेरवानो वृक्ष उछेरवानो खर्च ए संस्थाए पोते करवानो रहेशे, आ तमाम प्रकारनी सूचनाओ ए संस्थाओने आपी देवामां आवी छे, एनी साथे दर 3 वर्षे आ कामगीरीनुं मॉनिटरिंग पण करवामां आवशे અને જો કોઈ સંસ્થા આ કામગીરી ન કરશે તો એની પાસેથી પ્લોટ એ પરત લેવામાં આવશે। અને છે પ્લાસ્ટિક મુક્ત વડોદરાની વાત જો કરવામાં તો પ્લાસ્ટિકના બોટલ બંધ કરવાનો એક સૂચના શું કહેશો? પ્લાસ્ટિક મુક્ત વડોદરા એ પ્લાસ્ટિક મુક્ત ગુજરાત કે પ્લાસ્ટિક મુક્ત ભારત આ માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ એક દૂરંદેશી વાળું પગલું લીધું છે, આની અંદર જે અમુક માઇક્રોન કરતા ઓછી હોય એવી થેલીઓ એ બેન કરવામાં આવી છે અને એ મુજબની થેલીઓનું વેચાણ એનો ઉપયોગ ઓછો થાય એ માટે જનજાગૃતિના ભાગરૂપ કોર્પોરેશન અને તમામ કોર્પોરેટર ચૂંટાયેલા પદાધિકારીઓ અથવા વિવિધ સંગઠનો પણ આનો પ્રચાર પ્રસાર કરી રહ્યા છે, તો એ દિશાની અંદર પણ વડોદરા મહાનગરપાલિકા કાર્યરત છે।